वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। सो आज हम देखेंगे कि हम ये मैरीगोल्ड की प्लांट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग को। तो ये मैरीगोल्ड बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, इसे सब गार्डनर जानते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो है एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट। But in colder climate areas, they are grown in summers. But यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में या फिर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, नेपाल एंड सो ऑन, वी हैव वार्मर क्लाइमेट हियर। सो इन दिस क्लाइमेट दीज प्लांट्स आर ग्रोन इन विंटर। तो हमारे यहाँ एक क्लाइमेट बहुत वार्म है तो हम इसे विंटर में ग्रो करते हैं, पर जहाँ पर ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर वो लोग इसे गर्मियों में ग्रो करते हैं। ये सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाती है, पर अभी इसे सीड से हम नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि अभी इसका सही टाइम नहीं है सीड से ग्रो करने के लिए। अगर आप अभी इसकी सीड्स लगाते हैं तो वो बरसात के कारण सड़ सकते हैं। बिकॉज वी हैव मॉनसून ईयर, इफ़ यू ग्रो दीज मैरीगोल्ड्स फ्रॉम सीड्स, द सीड्स विल रॉट, सिंपली रॉट। So this is not the right time. If you want to grow them from seeds, then you have to wait. The best time for growing these plants through seeds is October. October iska best time hai seeds se grow karne ke liye. To aap iski seeds seedling October mein lagaye. Abhi monsoon mein nahi, kyunki ye monsoon mein acha se grow to nahi karega. Seeds se agar ho bhi jate hai to bahut hi laggy ya kuch hoga, not that good. तो यही रीज़न है हम इसकी कटिंग्स अभी लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्लांट को मल्टीप्लाई करना है तो आप अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी फ्लावर्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्लांट है पहले से तो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आपके पास प्लांट नहीं और आप इसकी कटिंग लगाना चाहते तो आप नर्सरी से एक प्लांट ला सकते हैं क्योंकि ये नर्सरी में बहुत इजीली अवेलेबल और अभी आपको ये प्लांट मिल जाएगा, तो आप नर्सरी जाकर एक ले सकते। सो इफ़ यू वांट टू ग्रो दिस प्लांट मल्टीप्लाई थ्रू कटिंग्स देन यू कैन सिंपली, इफ़ यू हैव वन प्लांट देन यू कैन सिंपली कट इट एंड ग्रो इट, बट इफ़ यू डोंट देन इफ़ योर फ्रेंड्स हैव यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स नेबर्स और यू कैन बाई वन फ्रॉम अ नर्सरी प्लांट नर्सरी। आई थिंक दीज विल बी अवेलेबल इन नर्सरी नाउ। आई बॉट दिस फ्रॉम अ नर्सरी इट्सेल्फ। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन ग्रो दिस फ्रॉम द कटिंग। द मोस्ट ईजीएस्ट वे और मेथड आई फाइंड इज पुटिंग देम इन अ ग्लास ऑफ वाटर। मोस्ट ईजीएस्ट वे आई थिंक विच रिक्वायर्स नो मेंटेनेंस ऑफ केयर। Like once you've planted, you don't have to think about watering it, checking the soil, moisture of the soil and so on. So I use this method. Friends, ये पानी वाला method मेरा one of the most easiest और बहुत favorite method है cutting को grow करने के लिए। आप अगर ये method use करते हैं तो आपको बार बार इसकी care नहीं करनी पड़ती, soil check नहीं करना पड़ता है। तो आप इसे just पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को जैसे मैंने ये काटा है और इसे पानी में बस ऐसे लगा देना है काट कर, कोई लीफ नोड या नोड कुछ नहीं देखना, कहीं से भी इसे काट सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे मैं दिखाती हूँ ये आप ये देख सकते हैं और ये इतना इजी ग्रो करता है पानी में कि ये बस 2 से 3 दिन में ही इसकी रूट्स आ जाती हैं। इनफैक्ट आई वुड से 2 डेज, जस्ट 2 दिन में ही इसकी रूट आ जाती है। ये आप देख सकते हैं इसे 2 से 3 दिन ही हुए होंगे पानी में और इसे इतनी बड़ी बड़ी रूट्स इसमें आ गई हैं। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। और ये आप देख सकते हैं ये भी एक कटिंग मैंने लगाया था, इसमें रूट्स आ चुके हैं। तो मैं अब इसे ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बड़ी सी पॉट में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रेंड्स इसे मैंने
वही पानी वाला मेथड से ही ग्रो किया था, और अब और इसे मैंने फिर ये जब इसके रूट्स फॉर्म होंगे तो इसे पॉट में शिफ्ट कर दिया, और आप देख सकते हैं इसमें एक बड भी आ गया है। और आप इसे डायरेक्टली सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं आपको आपसे शेयर करती हूँ। ये कटिंग आप देख सकते हैं, इसे मैंने सॉइल में ग्रो किया है और ये भी अब अच्छे से चल पड़ी है। बस अगर ये ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप इसे यहाँ से कट कर दें। कट करने से क्या होता है कि इसकी साइड ब्रांचेस निकलती है, जैसे आप देख सकते हैं ये साइड से, यहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं। ये बहुत बुशी होगा और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, और अगर आप इसे नहीं काटते तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और कम फ्लावर्स आएंगे। तो आप इसे यहाँ से ऐसे काट देते हैं अगर इसके ऊपर से, तो ये साइड से फिर न्यू ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाते। बस इसकी कटिंग काटना बहुत ही ईजी है, आप यहाँ से अगर काट देते इसे इस नोट से नीचे से, आप कैसे भी काट सकते, पर अगर नोट के नीचे से काटे तो वो बेटर है। इसे यहाँ से काट कर इसे बस सॉइल में या फिर पानी में लगा दे, और रूट्स आने के बाद इसे शिफ्ट कर दे, और फिर देखे ये प्लांट कैसे ग्रो करता है। सो ये दो है मेरा प्लांट एंड आई जस्ट लव दिस प्लांट। सो प्लीज़ डू ग्रो दिस प्लांट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस।